माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो चुकी है। शासन और प्रशासन के द्वारा इस बार परीक्षाओं को लेकर काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। केंद्र अध्यक्ष और इस पूरी परीक्षा के लिए निगरानी के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। सुबह 6 बजे से केंद्र अध्यक्ष और कलेक्टर प्रतिनिधि समस्त संबंधित थानों से पेपर और कॉपी लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचाते हैं, जहां पर कलेक्टर प्रतिनिधि के मोबाइल के जरिए उनकी निगरानी और ट्रैकिंग की जा रही है। वहीं पर परीक्षा में किसी भी की नकल ना हो, इसको लेकर काफ़ी इंतजाम इस बार किए गए हैं। अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के CEO डॉक्टर योगेश तुकाराम ने बताया कि वह भी विभिन्न स्कूलों में सतत रूप से निगरानी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई नकल सभी क्षेत्र परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई नकल सामने नहीं आई है। आज जो 10वीं के एम पेपर का यहाँ निरीक्षण किया गया है, आज से 5 फरवरी से पूरे ज़िले में 76 सेंटर पे 10वीं और कल 12वीं का पेपर है, तो 10वीं से 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। सभी सेंटरों में हमारे कलेक्टर प्रतिनिधि, केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष ये सवेरे 6 बजे से थाने से पेपर प्राप्त करते हैं और सभी जो कलेक्टर प्रतिनिधि है इनको हम मोबाइल के माध्यम से, उनका मोबाइल से हम ट्रैक भी करते हैं। पुलिस थाने से लेके जहाँ एग्ज़ाम हो रही एग्ज़ाम सेंटर तक उनका रूट भी हम चेक करते हैं। तो 6 बजे से 8:30 बजे तक सभी केंद्रों के पेपर चले जाते हैं और सभी जगह शांतिपूर्ण अभी तक से एग्ज़ाम चल रही है। कहीं भी कोई प्रकार नकल वगैरह इस प्रकार के निर्देशन में नहीं आए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।